बॉन्डलैंड है इस कार्बन पे, तो ये जो ब्रिज बन गया है तो ये दोनों ही कार्बन एटम्स ब्रिज कार्बन एटम्स है। सेकेंड स्ट्रक्चर में देखेंगे यहाँ एक बॉन्डलाइन यहाँ से यहाँ दिया गया है और फिर ये सेकेंड बॉन्डलाइन यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, तो ये दोनों ही कार्बन ब्रिज कार्बन कहलाता है। ब्रिज कार्बन जब sp3 होगा वह स्टेबल होगा और ब्रिज कार्बन जब sp2 होगा वह अनस्टेबल होगा। अब इस स्ट्रक्चर में देखेंगे कि ये जो ब्रिज कार्बन है इस पे 1, 2, 3 सिंगल बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन होगा, तो 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और सेकेंड स्ट्रक्चर में जो ब्रिज कार्बन है यहाँ डबल बॉन्ड होने के कारण से 1, 2, 3 यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं होगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, और ऊपर में लिखा गया है कि ब्रिज कार्बन sp3 स्टेबल, ब्रिज कार्बन sp2 अनस्टेबल। अकॉर्डिंग टू ब्रिट्स रूल स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर ए का स्ट्रक्चर बी से अधिक होगा।